नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स, आपके साथ मैं हूं संदीप। निर्भया के दोषियों की फांसी का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, गुनहगारों का बर्ताव बदलता जा रहा है। सदमे की हालत में दिन काट रहे निर्भया के दोषी खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा लें, जेल प्रशासन इस पर कड़ी नजर रख रहा है। जब तक फांसी हो नहीं जाती तब तक ये काम जेल प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। निर्भया के दोषियों को 1 फरवरी को फांसी होनी है। अब तक कैदियों ने जेल प्रशासन को अपनी अंतिम इच्छा भी नहीं बताई है। इस बीच जेल प्रशासन ने दोषियों के घर वालों को पत्र भेजा है जिसमें लिखा गया है कि अगर वो उनसे आखिरी बार मिलना चाहते हैं तो जेल प्रशासन से संपर्क करें। इस बीच इन गुनहगारों के बर्ताव की अगर बात करें तो मुकेश सिंह ने खुद को जेल की सेल में एक तरह से बंद कर लिया है। वो बाहर बहुत कम निकलता है या निकलता ही नहीं है। वहीं विनय शर्मा का बर्ताव थोड़ा आक्रामक हो गया है। वो इन दिनों बस एक ही रट लगाए हुए है कि उसे जेल नंबर 4 में बंद उसके दोस्त से मिलने दिया जाए, जिससे कैद में रहने के दौरान उसकी दोस्ती हो गई है। बाकी दो दोषियों पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर का बर्ताव लगभग पहले जैसा ही है। और अगर खान पान की बात करें तो मुकेश सिंह की खाने की आदतें फिलहाल कुछ खास नहीं बदली हैं। हालांकि विनय खाना खाने से इनकार करता है और ज्यादा बोलने पर हिंसक भी हो जाता है। शुक्रवार को मुकेश और विनय के घर वाले उनसे मिलने आए थे। करीब आधा घंटे तक उनकी बातचीत हुई। जेल अधिकारियों ने बताया है कि चारों को 1 फरवरी को फांसी देने की तैयारियां चल रही हैं। चारों पर एक डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए है, उनकी सेहत का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और इस बात के मद्देनजर कि इस मामले का एक अन्य दोषी राम सिंह जेल में रहते हुए सुइसाइड कर चुका है, जेल प्रशासन के लिए यह बड़ी चुनौती है यह सुनिश्चित करना कि इन चारों आरोपियों में से कोई खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। इन चारों के सेल लगातार बदले जा रहे हैं। किसी को भी एक कमरे में 2 दिन से ज्यादा नहीं रखा जा रहा है। प्रशासन को इसके पीछे डर यह है कि अगर एक ही जगह पर ज्यादा दिन किसी कैदी को रखा गया तो वो आत्महत्या का प्लान वहां बना सकता है। चारों दोषियों को टॉयलेट में भी अकेला नहीं छोड़ा जा रहा है, उनके साथ एक सुरक्षा गार्ड हर वक्त रहता है। नए कमरे में शिफ्ट करने से पहले नए कमरे की पूरी तरह छानबीन की जाती है और इसे एक टीम द्वारा अंजाम दिया जाता है जिसमें जेल सुपरिटेंडेंट भी शामिल होते हैं। दोषियों के सेल को भी रात में अंधेरा नहीं किया जाता, वहां पे अंधेरा बिल्कुल नहीं रहता किसी भी वक्त, ताकि गार्ड उन पर निगरानी रख सके। हमारे पास जो जानकारी मौजूद है उसके मुताबिक जेल नंबर 3 के उस वार्ड के बाहर जहां दोषियों को रखा गया है वहां 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं, और जिन सेल्स में दोषियों को रखा गया है वहां तमिलनाडु स्पेशल पुलिस के जवान तैनात हैं। टीम को सख्त हिदायत है कि उन कैदियों से किसी भी सूरत में बातचीत नहीं करनी है। तो निर्भया के दोषियों की फांसी से जुड़ी खबरें लगातार नवभारत टाइम्स आप तक पहुंचा रहा है। इस बीच खबर यह भी है कि इनमें से एक दोषी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला देता है, और साथ ही ये देखना होगा कि क्या इस बार भी जो तारीख मुकर्रर है यानी कि 1 फरवरी को वाकई फांसी होती है या किसी कानूनी दांवपेच के चलते मामला एक बार फिर से आगे बढ़ जाता है। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।